गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इनके क्वेश्चन मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा। ये क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक से लिया गया है, तो केवल आपको इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सो केवल इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर सेकेंड सेमेस्टर के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आपका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको डिफाइन स्किल्स, स्किल्स क्या होते हैं इसको आपको डिफाइन करना है, साथ में एलोब्रेट करना है द सक्सेस ट्राइंगल, जो कि AS के प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है ना, आप सबको पता है। लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अलग अलग जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ सुटेबल एग्जाम्पल, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं उनके सुटेबल एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्क्राइब करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इनलिस्ट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन सेकेंड जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोलता है इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ सुटेबल डायग्राम, आपको कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है उनको एक सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन करनी है दिखाते हुए, साथ में जो आप डायग्राम बनाओगे ना उनके आपको लेबलिंग भी करनी है, और जो आप लेबल करके जो नेम लिख रहे हो उसको एक एक करके एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन दी 7 CS कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पुअर लिसनिंग हैबिट रिजल्ट्स इनटू पुअर कम्युनिकेशन, है ना। तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर आपका जो लिसनिंग हैबिट है वो अगर पुअर होगा तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी पुअर होगा। तो इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करनी है, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जो कि कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप कई बार देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ है कि वी हैव 2 ears and 1 mouth सो दैट वी कांट लिसन ट्वाइस एज मच एज वी स्पीक। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको एलोब्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, है ना, मतलब आप जब पर्सनल किसी अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने फैमिली मेंबर से बात करते हो, और जब उसी को आप प्रोफेशनल लाइफ में लेके जाओगे तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जैसे अगर आप किसी अपने जो मैनेजर होंगे उससे बात कर रहे हो जो हाई पोस्ट पे है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे होंगे तो उनसे आप बात करेंगे तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है एलाबोरेट ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, अब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है इसको आपको एलोब्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका इलस्ट्रेट माइंडसेट एंड लैंग्वेज एज लिसनिंग बैरियर एंड सजेस्ट द वे टू ओवरकम देम, ये क्वेश्चन ये पूछेगा, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप। ठीक है, यूनिट 2 में चलिए जो कि फिर से 5 मार्क्स का है डिफाइन लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल क्या होता है, एक्सप्लेन दी लिसनिंग प्रोसेस, अब लिसनिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा भी दिया गया प्रोसेस है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन दी स्टेजेस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन दी टर्म्स फील्ड डायरी क्या होता है, लैब रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करनी है, और मैं आपको बता दूं कि अगर फिर भी आप सभी को प्रैक्टिस करोगे, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप मेरे को बता सकते हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं इनके सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं बोलना कि सारे क्वेश्चन का आंसर भेज दीजिए, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन जिस पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलता है इंडेक्सिंग और बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सप्लेन सम टिप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक का कुछ आपको टिप्स देनी है। ठीक है, टोटली काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, पता होनी चाहिए आपको। अब सेक्शन 2 में जाइए जो कि अब 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोलता है एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फील्ड डायरी, क्योंकि आपको पता है कि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हो तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि हम जो आप देखेंगे ना कि जो आप फील्ड डायरी को मेंटेन करते हो इसका क्या इम्पोर्टेंस है एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको बतानी है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फील्ड डायरी होता क्या है, है ना। नो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुड कंटेंट इज द बैकबोन ऑफ प्रेजेंटेशन, है ना। अब ऑफकोर्स जब तक आप किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए आप जा रहे हो, है ना, या फिर किसी भी प्रेजेंटेशन को आप दे रहे हो, आपका कंटेंट ही सही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने बनाया क्या है, बोल क्या रहे हो, तो ये बात तो बनेगी नहीं। तो इसलिए एक स्टेटमेंट बोला गया आपसे कि गुड कंटेंट, अगर अच्छा कंटेंट होगा तो ये जो प्रेजेंटेशन का बैकबोन मान सकते हैं इसको आप, है ना। तो इसको आपको एक्सप्लेन करनी है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, हाउ डू वर्बल वोकल एंड विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंटेशन। अब सपोज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहाँ पे वर्बल का, वोकल का, विजुअल का, क्या इनके कंपोनेंट्स जो हैं, वो तीन कंपोनेंट है ना भाई जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वर्बल, वोकल और विजुअल, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो इसको आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, आपका सेक्शन सेकंड जो 15 मार्क्स का है उस पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे, गुड लिसनिंग इज मस्ट टू इंश्योर गुड कम्युनिकेशन। ऑफकोर्स आपका जो लिसनिंग हैबिट अच्छा होगा, आप अच्छे से सुन पाओगे, तभी तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है ना। क्योंकि देखिए, कोई बोल कुछ और रहा है, आप सही से उसको सुन नहीं रहे हो, है ना, और आप उसके बदले में कुछ और रिप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप पहले क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, क्या बोलना चाह रहा है। तो जब तक आपका लिसनिंग हैबिट सही नहीं होगा आप, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपका बोलता है, डिस्कस द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको इस स्टेटमेंट को एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में एक्सप्लेन करनी है, है ना। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट बना लीजिएगा और फिर एक्सप्लेन कीजिएगा, रामायण मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यूनिट 3 जो है, यहाँ पे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है, राइट टिप फॉर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। आप सपोज कि आप खुद को मान लीजिए कि आप एक लीडर हैं, आप पब्लिक में स्पीकिंग करने जा रहे हो, कुछ भाषण देने जा रहे हो, तो कैसे आप उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, है ना, उसके क्या टिप्स हो सकते हैं, उसको आपको लिखनी है। डिफ्रेंशिएट करना है आपको एब्स्ट्रैक्टिंग और समराइजिंग के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है, एक्सप्लेन द गिवन टर्म, जैसे कि फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, पब्लिक स्पीकिंग इज सो ऑल्सो ए स्किल, है ना। तो आपको पता है कि आप के साथ भी ये चीज़ हुआ होगा कि जब आप पहली बार, आपको ऐसा बोला गया होगा कि आपको मंच पे जाके कुछ बोलना है किसी के, तो ये नाम से ही हालत ख़राब हो जाती है कि हमको इतना लोगों के सामने बोलना है, है ना। तो आपको पता है कि अब अगर कोई इंसान पूरे पब्लिक जहाँ पे पूरा क्राउड भरा हुआ है और वहाँ पे जाके वो स्पीच दे रहा है, दैट मीन्स कि एक तो उससे कॉन्फिडेंस है, और दूसरी बात कि उसमें पब्लिक में, क्योंकि आप पब्लिकली बोल रहे हो तो आपको क्या बोलना है ये चीज़ भी आपको बेहतर पता होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपका पब्लिक के रेफरेंस में कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपकी पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि सुन के सो जाए, है ना। तो आपको अपनी पब्लिक के स्पीकिंग के कम्युनिकेशन की बात करें तो उसको भी इन्हांस करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही बोल रहा है आपसे कि पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो स्किल, है ना, पब्लिक स्पीकिंग भी एक तरह का स्किल होता है। इज इट मिथ और रियलिटी, क्या ये गलत है या फिर सही रियलिटी है, ठीक है, है ना। मतलब होता ना कि एक मिथ मान रहे हो कि नहीं यार ये शायद झूठ हो सकता है, लेकिन एक रियलिटी, तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर, ये रियलिटी है, पब्लिक स्पीकिंग भी एक तरह का स्किल मानी जाती है, ठीक है, बट ये मिथ नहीं, ये रियलिटी है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करनी कैसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज इट इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द ऑडियंस बिफोर गिविंग प्रेजेंटेशन, डिस्कस द गिवन स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, है ना। फिर आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको आपको फिर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि 10 मार्क्स का है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ जनरल एंड टेक्निकल आर्टिकल, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, नहीं है कुछ खास, नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। नो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो मैं जो क्वेश्चन स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ ना, उसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटेम्पोरेनस
प्रेजेंटेशन क्या होता है और इम्प्रोम्प्टू प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग से आप क्या समझते हो, सबको पता होता है कि क्या होता है ये, है ना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, है ना, इसके लिखने के क्या प्रोसेस होते हैं आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 15 मार्क्स का है। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया आपसे, कीपिंग द एसेंशियल ऑफ गुड स्टाइल इन माइंड राइट अ वेल डेवलप्ड पैराग्राफ ऑन द डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन, ठीक है, हो जाएगा। नो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का पहला नंबर है, एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग, ठीक है, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग 4 लैंग्वेज स्किल, है ना। तो पहली बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेटिंग 4 लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं, उनके प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करनी है, है ना। जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि समझाने लायक है उसको मैं डेफिनेटली समझा रहा हूँ, बाकी आप देखेंगे कि इसमें क्या समझाना है कि आपको करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है गुड इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग, मतलब कैसे टेक्निकल राइटिंग को और इफेक्टिव में लिख सकते हो, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है आपको पता है ना, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, है ना, ग्रुप बना के, और उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे लोग डिबेट करते हैं, बात करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, अब ग्रुप डिस्कशन का क्या प्रोसेस होता है इसको आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन बैरियर एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है उनके आपको एग्जाम्पल भी बतानी है। नो इट ऑल एटीट्यूड, ठीक है, तो उनके भी आपके एग्जाम्पल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए आपको ना सबसे पहले एक, अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आपका दो टाइप्स का जो कम्युनिकेशन है, और भी इनके टाइप्स होते हैं, बट मेजर जो माना जाता है वो दो टाइप का माना जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको बतानी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन के अगेन फिर टाइप्स होते हैं, तो उनको आपको एक्सप्लेन करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, आप बना के देखेंगे ना, मजा आएगा आपको, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 10 मार्क्स का है, ब्रिंग आउट द डिफरेंशिएट बिटवीन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। देखिए सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ठीक है। आपको मैं तो बता दूँ कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो एक तो आप का जो देखने का नज़रिया वो बदल जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता कि यार कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कैसे कम्युनिकेशन किया जाए। तो आप जब क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो आपको रियली पता चल जाएगा कि हाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, लोगों से हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो किस वे में करनी चाहिए, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो बहुत सारे चीज़ आपको समझने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। अब आप जैसे कि सपोज आप एक होस्ट हैं और आप एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहे हो, तो कैसे इनका क्या स्टेप होना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना डायरेक्ट आप आज मैं सेमिनार करने जा रहा हूँ आप सब आ जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। इनके कुछ तो स्टेप्स होंगे, कुछ तो प्रोसेस होंगे, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। उसी तरह से आप कॉन्फ्रेंस भी जब आप ऑर्गेनाइज करवाते हो तो क्या इनके स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है, ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट पर्सन। अब देखिए क्या होता है ना, आप कई बार जब आप अभी सपोज कॉलेज में होंगे, जब आप कॉलेज से पास आउट करेंगे, तो इंटरव्यू सेशन में कई बार होता है ग्रुप डिस्कशन, GDs को बोलते हो आप लोग, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो एक ग्रुप बना देगा, है ना, और उस ग्रुप में एक कोई टॉपिक दे सकता है, और खासकर इसमें आप ध्यान रखिएगा कि वो टॉपिक देगा जो करंट टॉपिक है, जिसको अभी सपोज आप किसी चीज़ को लेकर डिबेट चल रहा है ना, तो वो टॉपिक दे देगा आपसे, और आपको बोलेगा कि इस टॉपिक पे डिबेट करो, सब एक दूसरे से आपको बात करनी पड़ेगी। इसी दौरान वो चेक कर लेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप लोगों से कैसे बातें करते हो, तो ये सारे चीज़ें वो उसी टाइम चेक कर लेता है। और ग्रुप डिस्कशन एक वे होता है एक सही पर्सन को चूज़ करने का, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से ही आप
पहचान जाओगे कि लोग का जो जो आपके सामने बैठे हुए हैं उनका किस टाइप का कम्युनिकेशन स्किल है, वो लोगों से कैसे बातें करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि आप सपोज आपको किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और आप जब जाओगे उस कंपनी की तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, फिर मीटिंग करने के लिए, तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो वो उस टाइम ही चेक कर लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन रियली एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एक सही पर्सन को चूज करने के लिए राइट जॉब के अंदर। ठीक है, आप फिर बोलता है आपको कि डू यू एग्री दिस असेसमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? बिल्कुल एग्री हैं। तो कैसे, आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करनी, काफ़ी मज़ेदार सा क्वेश्चन है ये। नौ, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो मैं जो क्वेश्चन स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ उसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटेम्पोरेनस प्रेजेंटेशन क्या होता है और इम्प्रोम्प्टू प्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिसाइज राइटिंग? प्रिसाइज राइटिंग से आप क्या समझते हो? सबको पता होता है कि क्या होता है ये, है ना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, है ना, इसके लिखने के क्या प्रोसेस होते हैं आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 15 मार्क्स का है, देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया आपसे। कीपिंग द एसेंशियल ऑफ गुड स्टाइल इन माइंड, राइट अ वेल डेवलप्ड पैराग्राफ ऑन द डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। ठीक है, हो जाएगा। नो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का पहला नंबर है, एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग 4 लैंग्वेज स्किल, है ना। तो पहली बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेटिंग 4 लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं, उनके प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करनी है, है ना। जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि समझाने लायक है उसको मैं डेफिनेटली समझा रहा हूँ, बाकी आप देखेंगे कि इसमें क्या समझाना है, कि आपको करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है गुड इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग, मतलब कैसे टेक्निकल राइटिंग को और इफेक्टिव में लिख सकते हो, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन क्या होता है आपको पता है ना, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, है ना, ग्रुप बना के, और उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे लोग डिबेट करते हैं, बात करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, अब ग्रुप डिस्कशन का क्या प्रोसेस होता है इसको आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन बैरियर एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है उनके आपको एग्जाम्पल भी बतानी है। नो इट ऑल एटीट्यूड, ठीक है, तो उनके भी आपके एग्जाम्पल बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए, आपको ना सबसे पहले एक, अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आपका दो टाइप्स का जो कम्युनिकेशन है, और भी इनके टाइप्स होते हैं, बट मेजर जो माना जाता है वो दो टाइप का माना जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको बतानी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन के अगेन फिर टाइप्स होते हैं, तो उनको आपको एक्सप्लेन करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, आप बना के देखेंगे ना, मज़ा आएगा आपको। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 10 मार्क्स का है, ब्रिंग आउट द डिफरेंशियल बिटवीन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। देखिए, सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ठीक है, आपको मैं तो बता दूँ कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो एक तो आपका जो देखने का नज़रिया वो बदल जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता कि यार कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कैसे कम्युनिकेशन किया जाए। तो आप जब क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो आपको रियली पता चल जाएगा कि हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, लोगों से हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो किस वे में करनी चाहिए, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ आपको समझने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। अब आप जैसे कि सपोज आप
एक होस्ट हैं और आप एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहे हो, तो कैसे इनका क्या स्टेप होना चाहिए? ऐसे तो नहीं ना डायरेक्ट आप आज मैं सेमिनार करने जा रहा हूँ आप सब आ जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। इनके कुछ तो स्टेप्स होंगे, कुछ तो प्रोसेस होंगे, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। उसी तरह से आप कॉन्फ्रेंस भी जब आप ऑर्गेनाइज करवाते हो तो क्या इनके स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है, ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट पर्सन। अब देखिए क्या होता है ना, आप कई बार जब आप अभी सपोज कॉलेज में होंगे, जब आप कॉलेज से पास आउट करेंगे तो इंटरव्यू सेशन में कई बार होता है ग्रुप डिस्कशन, GDs को बोलते हो आप लोग, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो एक ग्रुप बना देगा, है ना, और उस ग्रुप में एक कोई टॉपिक दे सकता है। और खासकर इसमें आप ध्यान रखिएगा कि वो टॉपिक देगा जो करेंट टॉपिक है, जिसको अभी सपोज आप किसी चीज़ को लेकर डिबेट चल रहा है ना, तो वो टॉपिक दे देगा आपसे और आपको बोलेगा कि इस टॉपिक पे डिबेट करो, सब एक दूसरे से आपको बात करनी पड़ेगी। इसी दौरान वो चेक कर लेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप लोगों से कैसे बातें करते हो, तो ये सारे चीज़ वो उसी टाइम चेक कर लेता है। और ग्रुप डिस्कशन एक वे होता है एक सही पर्सन को चूज़ करने का, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से ही आप पहचान जाओगे कि लोग का जो आपके सामने बैठे हुए हैं उनका किस टाइप का कम्युनिकेशन स्किल है, वो लोगों से कैसे बातें करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि आप सपोज आपको किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और आप जब जाओगे उस कंपनी की तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, फिर मीटिंग करने के लिए, तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो वो उस टाइम ही चेक कर लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन रियली एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एक सही पर्सन को चूज करने के लिए राइट जॉब के अंदर, ठीक है। आप फिर बोलता है आपको कि डू यू एग्री दिस असेसमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? बिल्कुल एग्री हैं। तो कैसे, आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करनी, काफ़ी मज़ेदार सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कम्युनिकेशन हैज़ टू बी स्मार्ट, ऑफकोर्स विल एक्सप्लेन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब देखिए आप लोग ऐसा कहते हैं ना कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ, मतलब देखने से बाल से अच्छा लग रहा है, तो हाँ बाल बाल सही है तो स्मार्ट है। ये ऐसा होना भी चाहिए कि आप अपने बाल सही रखिए, अपना बियर्ड वगैरह प्रॉपर सेव कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका स्मार्टनेस है ना, वो आपका कम्युनिकेशन बताता है। क्योंकि आप जब किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हो ना, और वो जब आप सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बोला है ना एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले होंगे जो अच्छे पोस्ट पे है, लाइक उस जिले का DM है, ऐसा कुछ है, तो उन लोग से आप मिलेंगे ना, तो उनको उसमें आपको एक चीज़ दिखाई पड़ेगा कि उनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा है, उनके आप बोलने के तरीके से ही प्रभावित हो जाओगे, ठीक है। तो रियली कम्युनिकेशन एक हैज़ टू बी स्मार्ट, ऑफकोर्स कम्युनिकेशन स्मार्ट इंसान को ही बनाता है, और कम्युनिकेशन स्मार्ट होनी ही चाहिए, ठीक है, उसको आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझानी है। फिर सेक्शन सेकेंड जो है वो देखिए, क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का है, व्हाट इज़ द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का क्या पर्पस है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि एक राइट कैंडिडेट का चूज करना फॉर द स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेस ग्रुप डिस्कशन। अब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स भी आ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इनके क्या पर्पस होते हैं, क्यों करवाया जाता है ग्रुप डिस्कशन, और इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें से केवल आपको 5 करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है जो ग्रुप डिस्कशन को सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजरियल फंक्शनिंग, ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन ये। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कीपिंग लैंग्वेज एंड स्टाइल इन माइंड राइट ऑन द गिवन टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब, ठीक है। अब आपको पता ही होना चाहिए कि कोई भी जॉब, जब तक उस जॉब में आपका टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी एक रियली अच्छा इम्पैक्ट डालती है किसी भी जॉब के ऊपर, तो इसको आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन थे, होप सो आप इसे कर पाएंगे।